खबर मंदसौर से। खेलो इंडिया के अंतर्गत खेल विभाग व जिला स्केटिंग संघ मंदसौर द्वारा आयोजित एक दिवसीय संभाग स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिक मोबाइल या सोशल मीडिया का असर आपके मानसिक व शारीरिक विकास पर पड़ता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन किसी न किसी खेल का अभ्यास अनिवार्य रूप से करना चाहिए। साथ ही जिला स्केटिंग संघ द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की भी सराहना की व भविष्य में खेल से संबंधित सुविधाएं प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसी अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गोस्वामी ने कहा कि स्केटिंग एक ऐसा गेम है जिससे बच्चों में पूर्ण रूप से शारीरिक मानसिक विकास होता है। स्केटिंग पर चलते हुए तुरंत मुड़ना चलना, इससे बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता व शारीरिक चपलता बढ़ती है। इस अवसर पर लायंस क्लब अध्यक्ष विकास भंडारी, जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा व वैभव सिंघाई ने भी बच्चों को संबोधित किया। विगत वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मंदसौर के सभी खिलाड़ियों को अतिथि द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसमें पलाश गर्ग, यश रोडवाल, अनन्या आचार्य, भूमिका रावल, वर्णिका उपाध्याय, रोहन भक्तानी, सौरभ हेजू, तरन पाटीदार, जलत सिसोदिया, संयम पाटीदार, अक्षत जैन, दिव्यांशु परवार, कनिष्क पवार, वंश पाटनी, विराज पारिख, देवांश भावसार, पलक जैन, द्राक्षी डोसी, जसवी बलानी, देशना जैन, नीति लालवानी, परीक्षाली मरु, अंजलि गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत प्रशिक्षक सचिन काले, रतलाम स्केटिंग प्रशिक्षक ललिता चौहान, खिलाड़ी आरव बाफना, देवी रिद्धिका, जिला स्केटिंग संघ सचिव राकेश श्रीवास्तव, दीपक मंगल, लाभांशी हेजू, नीलेश बाफना आदि खिलाड़ियों व अभिभावकों ने किया। प्रतियोगिता में 3 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के आयु वर्ग के 70 से अधिक बालक बालिकाओं ने भाग लिया। विजेता खिलाड़ियों को मैडम खेल युवा कल्याण विभाग की ओर से प्रदान किए गए। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्रीय सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।